वहीं गर्मियां शुरू होते ही नैनीताल समेत कुमाऊं भर के जंगलों में आग लगने की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। नैनीताल के लदिया खान जोलीकोट समेत आसपास के जंगलों में इन दिनों भीषण आग लगी है, जिससे अमूल्य वन संपदा जलकर खाक हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर वायुमंडल और इंसानों के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। वहीं वन विभाग भी इन समस्याओं से निपटने के लिए जद्दोजहद में लगी हुई है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारे द्वारा वनाग्नि पर नियंत्रण करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे ही हमको फायर अलर्ट्स प्राप्त होते हैं, तत्काल वन क्षेत्राधिकारियों को सूचित किया जाता है। वन क्षेत्राधिकारियों द्वारा तत्काल मौके पर स्टाफ के साथ फायर वॉचरों को भेजा जाता है और वनाग्नि पर नियंत्रण किया जाता है। और इसके अलावा हम लोग लगातार फायर लाइनों की सफाई कर रहे हैं अपने क्षेत्रों में, तो फायर अलर्ट प्राप्त होते ही टीमें मौके पर पहुँच जाती हैं और वनाग्नि को कंट्रोल करती हैं।